हेलो एवरीवन, दिस इज बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे सीडीबी में टाइप्स ऑफ इमोशंस की। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है उनके बारे में डिस्कस किया था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में शेयर किया, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में शेयर किया, और जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट में हमने डेफिनेशन की बात की थी उसके, कि वो होता क्या है और उसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इमोशन के। इमोशन के टाइप्स होते कितने हैं, तो इसमें देखिए जो हमारा सबसे पहले है कि हमारे 5 टाइप्स होते हैं इमोशन में। और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये आपका CTET, TET, BEd ये सबके लिए बेसिक है। जो आपका जो टेट के आप एजुकेशनल जितने भी देते हैं ना एंट्रेंस, उनका बेस है ये। इसी के बेस पे क्या है, टीचर सोच पाता है कि बच्चा किस तरीके से सोचता है और उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये बेस पढ़ रहे हैं। तो चलिए टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स के तो होते हैं 5 टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशंस, प्राइमरी इमोशंस, इमोशंस पर्टेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल, इमोशन पर्टेनिंग टू अदर पर्सन। अब देखिए उनके क्या किस तरीके से होते क्या है। जो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव इमोशन है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिविटी, तो इसमें क्या है हमारा पॉजिटिविटी होती है। अब पॉजिटिविटी कैसे होती है देखिए, फॉर गुड ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी लाइक एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी लव। अब देखिए जब पॉजिटिविटी होती है किसी के अंदर, अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है तो क्या होगा, वो मेरे को बहुत अच्छा अच्छा फील होगा, और जब मेरे को अच्छा अच्छा फील होगा तो वो क्या होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, और जब सोसाइटी के लिए वो चीज अच्छा हो रहा है तो क्या होगा, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, कि खुद को एंजॉय करके किसी चीज को करना, किसी काम को करना। और जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो सामने वाला भी जो होता है वो भी उस चीज को क्या करता है, एंजॉय करता है, वो भी देखता है कि ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहा है ना। और इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी आती है। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी आएगी। और इसके बाद और क्या होता है, लव। देखिए जैसे हम जितने पॉजिटिव होते हैं हमें दूसरी चीजें उतनी ही अच्छी लगती हैं, उन चीजों से हम प्यार, लव का मतलब क्या है, जो अफेक्शन फीलिंग होती है ना, कि किसी चीज से लगाव, जो इतना पॉजिटिव हम जितना पॉजिटिव हम होंगे किसी चीज से उतना ही लगाव होगा हमारा। तो ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिविटी के सिंबल्स है, ठीक है। अब वही चीज देखिए, पॉजिटिव इमोशंस में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कि एक तो क्या होता है इंडिविजुअल के लिए क्या है, गुड है। कि कोई अगर आदमी अगर अच्छा सोच रहा है तो क्या है, वो आदमी ही बढ़ेगा, वो अच्छे चीजें करेगा, वो सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा। तो ये सब इसके मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें आपके लिए लिखे हैं। इसके बाद में आता हमारा नेगेटिव इमोशंस। अब जैसे नेगेटिविटी से ही, नेगेटिव से हमें पता चला क्या है, नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बैड थॉट्स होते हैं, कि हम अच्छा नहीं सोचते किसी चीज के बारे में। तो क्या है ये, क्या आएगा इसमें, नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। और क्या, इवैल्यूएटेड एज पर सर्कमस्टेंसेस। अब क्या है इसमें, इवैल्यूएटेड कैसे होते हैं, एज पर सर्कमस्टेंसेस, कैसे होते हैं सर्कमस्टेंसेस, जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी के हिसाब से क्या होता है, इमोशन होता है। अगर परिस्थिति अच्छी है तो हमारे इमोशंस भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है तो इमोशंस भी हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब देखिए इसमें एक चीज है कि हमेशा नेगेटिव इमोशंस अगर किसी के अंदर आ रहे हैं तो ये नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिविटी में जा सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी नेगेटिविटी में जा सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इमोशन में नेगेटिविटी में जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं। अब एग्जाम, अब अगर हम एग्जाम्स की बात करें, अब देखिए बीएड सेकंड ईयर के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो किस तरीके से वो अगर वो सोचें कि हाँ भाई पेपर बहुत अच्छा, मतलब मेरे को तो सब आता है और मैं तो कर लूंगा, पेपर इजी होगा, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। पर वो क्या है पॉजिटिव, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो वो एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे और क्या समझेंगे, तो वो क्या हो गया, उनकी नेगेटिव हो गई वो चीज, है ना। तो पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव इमोशन का मतलब ये भी होता है कि आप उस वे में काम करें, सिर्फ सोचना ही नहीं काम भी करना होता है उस वे में। इसी तरीके से नेगेटिव इमोशंस है, आप देखिए एग्जाम्स को ही लेकर कि किसी को टेंशन है, किसी बच्चे को कि एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे को उसके लिए प्रिपेयर करना है, अगर नहीं करूंगा तो मेरे को ये, मेरे नहीं करूंगा तो मेरा एक साल बेकार हो जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो क्या नेगेटिव थॉट्स है। बट नेगेटिव से ही वो क्या जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है कि अगर मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो स्टडी करेगा उसके लिए। तो क्या हो गया, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो सकता है, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस,
और पॉजिटिव भी नेगेटिव हो सकता है, और किस तरीके से होता है इस टाइम मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी इमोशन। आप देखिए जो प्राइमरी इमोशंस होते हैं ना, वो किस पे बेस होते हैं? वो बेस होते हैं बिहेवियर पे, कॉम्प्लेक्सनेस, कि कोई इंसान अपने अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कंफ्यूज है, एंड टेंशन। अब देखिए टेंशन जितनी होगी उसको क्या होगा, ये प्राइमरी इमोशंस है जो किसी के अंदर आते हैं। कि अगर आपने किसी चीज को देखा है, किसी चीज को सुना, तो आपके अंदर क्या हो, कुछ आपको बिहेवियर चेंजेस हुए जो हमने एस्पेक्ट्स में पढ़े थे, तो क्या होंगे, बिहेवियर चेंजेस होंगे। और जब बिहेवियर चेंजेस होंगे तो आप किसी को आपको सुन के अगर कॉम्प्लेक्स हो गए, आप कंफ्यूज हो गए, तो क्या होंगे, इमोशंस चेंज होंगे, तो क्या है, प्राइमरी इमोशंस है। आप उनको ने अगर एग्जाम की न्यूज सुन ली तो आप क्या आगे टेंशन में आ गए कि अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं, अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स देने हैं, तो क्या है वो टेंशन, टेंशन इन अ चाइल्ड। तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी इमोशंस होते हैं। प्राइमरी इमोशंस जो किसी चीज को सुनकर देखकर आपके बिहेवियर में चेंज आते हैं, कॉम्प्लेक्सनेस आती है, टेंशन आती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइमरी इमोशंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप, इमोशंस पर्टेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल। अब देखिए सेल्फ अप्रेजल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम खुद की बात कर रहे हैं, हम खुद के सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये इमोशंस किस पे बेस है, सेल्फ अप्रेजल पे, यानी खुद की सेटिस्फेक्शन पे। तो इसमें क्या है, देखिए गेट्स मेंटल सेटिस्फेक्शन, जैसा मैंने अभी बताया, तो क्या होता है इसमें, मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, एंड हैप्पीनेस। क्या होता है, हैप्पीनेस होती है जब हम खुद के लिए कोई चीज कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उस चीज को कर भी रहे हैं। हमें दिख रहा है कि अगर मैं कोई अगर ड्रेस लेना चाह रही हूँ, तो मैं मार्केट से जा रही हूँ, ड्रेस ला रही हूँ, तो ड्रेस ला के मैं दुखी तो नहीं होंगी ना, खुशी होंगी, तो मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने सोचा था अपने लिए कि वो ड्रेस लाऊं और मैं वो ड्रेस ले आई, तो क्या होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला। और सेकंड थिंग क्या, हैप्पीनेस। तो सेल्फ अप्रेजल के साथ मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, इनकी पहचान होती है सेल्फ अप्रेजल की। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, इमोशन पर्टेनिंग टू अदर पर्सन। अब देखिए दूसरे पर्सन को लेके जो कि वो इमोशंस होते हैं ना, उनको क्या हो, उनको है वो, यही हमारा फिफ्थ टाइप है कि इमोशन पर्टेनिंग टू अदर पर्सन। ये किस तरीके से होते हैं, देखिए, रिलेटेड टू अदर पर्सन लाइक इमोशन फॉर लव। ये क्या हो, किससे रिलेटेड है, ये सबसे पहले तो रिलेटेड टू अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ रिलेटेड है ये, ठीक है। और दूसरे पर्सन के साथ रिलेटेड है तो किस तरीके से रिलेटेड होंगे, कि जैसे एग्जाम्पल क्या, अगर मैं लूँ तो लाइक इमोशंस फॉर लव, जैसे लव के लिए जो इमोशन होता है कि आप किसी के लिए अगर प्यार महसूस कर रहे हैं, तो क्या एक इमोशन आएगा, वो अफेक्टिवनेस आएगा, कि अफेक्शन आएगा, कि आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये क्या है, इमोशन फॉर लव अदर पर्सन के लिए। अब इसी का एक एग्जाम्पल मैं अगर लूँ तो वो क्या है, पेरेंट्स लव, यानी जो माता पिता का लव होता है। माता पिता का लव किसके लिए होगा, फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए होगा। तो जो माता पिता के लिए जो लव होता है, जो माता पिता का बच्चों के लिए लव होता है, वो क्या आता है, अदर पर्सन, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने सारे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं। तो ये क्या है, फाइव टाइप्स है हमारे, फाइव टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो अब इसी में आगे कैरी करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि जो इमोशंस होते हैं वो एडोलेसेंस में किस तरीके के होते हैं। तो अभी हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा, पर और इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एडोलेसेंस में किस तरीके के इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करी थी, तो हमने बात की थी चाइल्डहुड के बारे में बात की थी, हमने इन्फेंट के बारे में बात की थी, तो उसके बाद हम एडोलेसेंस की बात कर रहे थे। तो एडोलेसेंस में अब हमारे जो हमने इमोशन को समझा है, अब इमोशन जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो एडोलेसेंस में कैसा होता है, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो इसी पे पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।